एक बार फिर से स्वागत है आपका हिमाचल डायरी के इस अंक में। शिमला जिले के कुपवी के दुर्गम गांवों में बच्चों में फैला रहस्यमय बुखार आखिर में स्वाइन फ्लू निकला है। इससे एक बच्चे की मौत भी हो चुकी है। दो बीमार बच्चों को शिमला ले जाने पर आईजीएमसी में हुए टेस्ट से स्वाइन फ्लू की पुष्टि हुई है। दो बीमार बच्चों को शिमला ले जाने पर आईजीएमसी में हुए टेस्ट से स्वाइन फ्लू की पुष्टि हो गई है। इसके बाद से स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप की स्थिति है। आनन फानन में एक टीम कुपवी भेजी गई है ताकि वह संक्रमण की गंभीरता को जांच सके। पीएचसी कुपवी से मंगलवार को आईजीएमसी रेफर किए गए शिवधार निवासी रोहित पुत्र अमर सिंह मांगता आयु 14 वर्ष को बुखार आने पर रात 10 बजे कुपवी पीएचसी लाया गया था। इसी प्रकार कपिल पुत्र मंगत राम आयु 15 वर्ष को भी कई दिनों से बुखार रहने की दिक्कत थी। सोमवार को अचानक तेज बुखार आने पर कुपवी अस्पताल ले जाया गया, जहां से दोनों को आईजीएमसी शिमला रेफर कर दिया गया। जांच के बाद इनमें स्वाइन फ्लू की पुष्टि हो गई है। आईजीएमसी शिमला के चिकित्सक अधीक्षक डॉक्टर रमेश ने बताया कि इन बच्चों को स्वाइन फ्लू है और अब ये उपचाराधीन है। अब तक कुल 6 मामले आईजीएमसी में पॉजिटिव आ चुके हैं। बुधवार को महाराष्ट्र के एक मरीज की मौत भी स्वाइन फ्लू के कारण हो चुकी है। गौरतलब है कि 2010 में भी चौपाल के खुगडाली गांव में स्वाइन फ्लू फैला था। जिला कांगड़ा में स्वाइन फ्लू के 2 और मामले सामने आ गए हैं, जिसके चलते इस बीमारी से प्रभावित मरीजों का आंकड़ा 8 तक पहुंच गया है। वहीं स्वाइन फ्लू से पीड़ित दौलतपुर की महिला को टांडा मेडिकल कॉलेज से छुट्टी दे दी गई है। वीरवार को जिले में सामने आए स्वाइन फ्लू के पॉजिटिव मामलों में एक रोगी पालमपुर और दूसरा रोगी नगरोटा बगवां से संबंधित है। ये दोनों महिलाएं हैं, जिनमें से पालमपुर निवासी 54 वर्षीय महिला का मिलिट्री अस्पताल योल, जबकि नगरोटा बगवां निवासी 32 वर्षीय महिला का टांडा मेडिकल कॉलेज में उपचार चल रहा है। जिला में अब तक सामने आए स्वाइन फ्लू के 8 पॉजिटिव मामलों में 6 जिला कांगड़ा के हैं, जबकि एक एक मामला जिला मंडी के सरकाघाट और एक जिला हमीरपुर के बड़सर का शामिल है। स्वास्थ्य मंत्री कौल सिंह ठाकुर ने आईजीएमसी को इस बात पर शोध करने को कहा है कि स्वाइन फ्लू गर्मियों में क्यों फैल रहा है। ये संक्रमण सामान्य तौर पर सर्दियों में ही होता था। उन्होंने कहा कि स्वाइन फ्लू से निपटने के लिए सभी जिले के सीएमओ सहित जीएमसी और आईजीएमसी प्रशासन को सख्त निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने जिला स्तर के सभी अस्पताल प्रबंधनों को भी हिदायत दी है कि स्वाइन फ्लू के लक्षण पाए जाने पर मरीजों को टांडा मेडिकल या आईजीएमसी के लिए ही रेफर करवाएं। कौल सिंह ठाकुर ने कहा कि मंडी में भी स्वाइन फ्लू के टेस्ट करवाए जाते हैं। उन्होंने स्वाइन फ्लू की दवा हर अस्पताल में उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पोलस्टार टीवी, शिमला। हिमाचल में 18 लाख से अधिक परिवारों को अब महंगी चीनी मिलेगी। केंद्र सरकार की ओर से चीनी पर सब्सिडी देने के इनकार के बाद अब प्रदेश सरकार खुद सब्सिडी का भार उठाने जा रही है। केंद्र सरकार की ओर से चीनी पर सब्सिडी देने के इनकार के बाद प्रदेश सरकार खुद सब्सिडी का भार उठाने जा रही है। इसके लिए अधिकारियों ने प्रस्ताव तैयार कर लिया है। इसे अब मंत्रिमंडल की बैठक में अंतिम फैसले के लिए भेजा जाएगा। इस प्रस्ताव के मुताबिक प्रदेश के एपीएल उपभोक्ताओं को प्रति किलो चीनी के 26 रुपए चुकाने होंगे। इससे पहले इस श्रेणी के उपभोक्ताओं को यह चीनी 19 रुपए 50 पैसे प्रति किलो के हिसाब से दी जाती थी। इस तरह से एपीएल परिवारों को पहले की तुलना में चीनी के 6 रुपए 50 पैसे अधिक चुकाने होंगे, जबकि गरीब परिवारों को प्रति किलो चीनी पर करीब 2.50 रुपए अधिक चुकाने होंगे। प्रदेश में डिपुओं के माध्यम से उपभोक्ताओं को जो चीनी उपलब्ध करवाई जाती थी, उस पर केंद्र से प्रदेश सरकार को प्रति क्विंटल 1,850 रुपए की सब्सिडी मिलती थी। अप्रैल माह तक सभी श्रेणियों के परिवारों को डिपुओं में प्रति व्यक्ति 650 ग्राम चीनी दी जाती थी, लेकिन केंद्र ने अब अपने हिस्से की सब्सिडी देने से इनकार कर दिया है। ऐसे में उपभोक्ताओं को अप्रैल माह के बाद डिपुओं में चीनी नहीं मिल रही है। इसको देखते हुए प्रदेश सरकार अब खुद
सब्सिडी वहन कर चीनी देने की तैयारी में है। ब्यूरो रिपोर्ट, पोल स्टार टीवी, शिमला। धर्मपुर में अटल वेलफेयर सोसाइटी द्वारा पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जन्म शताब्दी के उपलक्ष्य पर पंडित दीनदयाल के विचार मोदी सरकार की नीतियों का आधार कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में प्रदेश भाजपा सह प्रवक्ता नरेंद्र अत्री बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। इस अवसर पर नरेंद्र अत्री ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय के आदर्शों का अनुसरण करते हुए मात्र 3 वर्ष के कार्यकाल में करोड़ों लोगों के जीवन स्तर में सुधार करके उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि दी है। उन्होंने कहा कि 3 वर्ष पहले तक यूपीए सरकार के 10 वर्ष के कार्यकाल में जो देश में निराशा का माहौल था, महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी चरम सीमा पर थी, लेकिन मात्र 3 वर्ष में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के निराशामयी माहौल पर अंकुश लगाकर अपनी नीतियों के माध्यम से करोड़ों लोगों को लाभ देकर आशामयी माहौल पैदा किया है। उन्होंने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार का 3 वर्ष का कार्यकाल प्रभावशाली व उपलब्धिपूर्ण रहा है। देश में भ्रष्टाचार की संस्कृति पर अंकुश लगा है, इसी कारण भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही है, विकास दर में लगातार सुधार हो रहा है। वहीं उन्होंने इस मौके पर कहा कि अटल वेलफेयर सोसाइटी द्वारा शुरू किए गए अभियान के तहत जहां एक तरफ पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जीवन पर प्रकाश डाला, वहीं नशा मुक्त खेल युक्त अभियान की भी विस्तृत जानकारी दी। युवाओं से आह्वान किया कि वे नशे से दूर रहकर खेत व खेल के मैदान में अपनी ऊर्जा का दोहन करें। केंद्र की सत्ता पर काबिज मोदी सरकार का 3 वर्ष का कार्यकाल प्रभावशाली एवं उपलब्धियों से परिपूर्ण रहा है। 3 साल पहले जब इस देश के अंदर यूपीए की सरकार 10 वर्ष तक सत्ता में रही तो उस दौरान पूरा देश भ्रष्टाचार, महंगाई, बेरोजगारी आदि समस्याओं से जूझ रहा था। पूरे देश के अंदर निराशा का माहौल था, परंतु जिस शानदार तरीके से देश के सम्माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने अपनी कल्याणकारी नीतियों के माध्यम से देश के करोड़ों लोगों को लाभ पहुंचाया, देश की आजादी के 70 वर्षों तक जिन लोगों की अनदेखी हुई थी उन लोगों को सबसे पहले उनके कल्याण के लिए नीतियां बनी, उससे न केवल भारत की छवि पूरे विश्व में मजबूत हुई बल्कि आम जनमानस का भी देश की व्यवस्था में, देश की राजनीति में विश्वास बढ़ा। वहीं दूसरी तरफ हिमाचल प्रदेश के अंदर पिछले 4.5 वर्षों से सत्ता पर काबिज रहने वाली कांग्रेस सरकार, जिसने अपने चुनावी वायदों को भूलकर 4.5 वर्ष का जो कार्यकाल है मात्र अपने राजनीतिक विरोधियों को प्रताड़ित करने में, उन पर झूठे केस बनाने में और अपने कुछ चहेतों को लाभ पहुंचाने में व्यतीत कर दिए, उससे प्रदेश आम जनमानस खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहा है और इंतजार कर रहा है कब प्रदेश में विधानसभा का चुनाव हो और इस धोखेबाज सरकार को सत्ता से बाहर किया जाए। वहीं दूसरी तरफ मेटल वेलफेयर सोसाइटी को बधाई दूंगा जो इन्होंने अपना नशा मुक्त खेल युक्त समाज अभियान के तहत पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्म शताब्दी के अवसर पर यह अभियान चलाया है, जिसमें जहां एक तरफ पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के जीवन पर प्रकाश डाला जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ युवाओं को प्रेरित किया जा रहा है कि वो नशे से दूर रहकर खेल के मैदान में अपना दिन का कुछ में व्यतीत करें ताकि वो शारीरिक और मानसिक तौर पर मजबूत हो और आने वाले समय में जो जीवन में जिन चुनौतियों का उनको सामना करना है उन चुनौतियों का सामना करने के लिए वो तैयार। ब्यूरो रिपोर्ट, पोल स्टार टीवी, धर्मपुर। आने वाले दिनों में प्रदेश में मौसम का मिजाज बिगड़ा रहेगा। मौसम विभाग के अनुसार 24 मई तक मौसम खराब बना रहेगा। 21 मई को प्रदेश में तेज हवाओं के साथ ओलावृष्टि की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। मौसम विभाग के अनुसार 21 मई को मैदानी व मध्यम ऊंचाई वाले क्षेत्रों में तेज हवाओं के साथ ओलावृष्टि की चेतावनी जारी की गई है। प्रदेश में इन दिनों सेब की सेंटिंग हो चुकी है, ऐसे में ओलावृष्टि से बागवानों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। वहीं प्रदेशवासियों को बारिश का क्रम जारी रहने से गर्मी से राहत मिलती रहेगी।
वीरवार को भी प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में बारिश हुई है। सबसे अधिक 39.8 मिलीमीटर बारिश मशोबरा में रिकॉर्ड की गई। शिमला में दोपहर बाद मौसम खराब हो गया और बारिश हुई। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के निदेशक डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कहा कि प्रदेश के मैदानी व मध्यम ऊंचाई वाले क्षेत्रों में 21 मई को तेज हवाओं के साथ ओलावृष्टि की चेतावनी जारी की गई है। तो ऐसे में प्रदेश में मौसम का मिजाज आने वाले दिनों में बिगड़ा रहेगा। मौसम विभाग के अनुसार 24 मई तक मौसम प्रदेश में खराब बना रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पोलस्टार टीवी, शिमला। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मौनिका ठाकुर को दीजिए इजाजत। नमस्कार।